नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाटा नेक्सोन का फेयरलेस प्लस एस वेरिएंट। भाई इसमें बताऊंगा क्या कुछ फीचर देती है कंपनी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था भाई व्हाइट कलर में, सेम वेरिएंट था, यही सनरूफ वाला एस वेरिएंट ही था। लेकिन भाई इन दोनों वेरिएंट में आपको डिफरेंस मिलेगा इंटीरियर में। ये पर्पल कलर में है तो इसका इंटीरियर आपको थोड़ा सा अलग टाइप का मिलेगा, और जो व्हाइट कलर में था उसका इंटीरियर भाई थोड़ा अलग था। तो भाई शुरुआत करते हैं इसकी चाबी के साथ। चाबी इसमें आपको मिल जाएगी, ये यहाँ पे रिमोट की मिलेगी। फ्रंट में यहाँ पे आपको चार इसमें कंट्रोल मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक के लिए, लाइट के लिए, बूट ओपन करने के लिए। और भाई पीछे यहाँ पे कोई भी इस पे कंट्रोल नहीं है। अब इसके फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाएगा, छोटा हो गया, पहले थोड़ा सा बड़ा मिलता था। ये पूरा यहाँ पे पियानो ब्लैक है। नीचे जो ग्रिल है वो है रफ ब्लैक प्लास्टिक की, और भाई ग्रिल का डिजाइन है जो वो भी चेंज हो गया। जो पुरानी नेक्सोन थी उसमें थोड़ी अलग टाइप की ग्रिल थी, यहाँ पे आपको ये सिल्वर साटन मिल जाएगा। और भाई ये ग्रिल मिल जाएगी आपको पूरे ब्लैक कलर में। कैमरा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मिल जाएगा इसमें सेंसर फ्रंट वाले। जो इसमें लाइट है वो भी भाई आपको एलईडी मिलेगी। एक बार लाइट जला के दिखा दूं आपको, ये देखो व्हाइट कलर की आपको प्रोजेक्टर ये लाइट मिल जाएगी। नीचे जो इसमें फॉग लैंप है ये भी भाई प्रोजेक्टर है, छोटी छोटी यहाँ पे आपको दो इसमें एलईडी मिलेंगी। और यहाँ पे ये वेंट दिए गए हैं एयर क्रॉस करने के लिए। ऊपर यहाँ पे आपको इसमें डीआरएल मिलेगी, और भाई डीआरएल का एक बार दिखाऊं आपको इसमें स्टाइल। इसको लॉक अनलॉक करके दिखाता हूँ, ये देखो। अब इसको अनलॉक करूंगा तो सेम यहाँ पे आपको फिर से दिखेगा इसमें जो ग्राफिक है। अगर आप ईवी लेंगे तो उसमें पूरी ये कनेक्ट मिलेगी, उसमें भी सेम ऐसे ही है। एक बार पीछे वाली लाइट दिखा दूँ, बाद में फिर मैं शायद से भूल जाऊँ, पीछे वाली लाइट भी सेम ऐसे ही जलेगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे खड़ा होकर दिखाता हूँ, इसको करता हूँ लॉक, अनलॉक करता हूँ अब इसको। ये है भाई इसका जो फील है। नए वाली नेक्सोन में आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस सेगमेंट में पहले नहीं मिलती थी। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो साइड से भी इसमें थोड़ा सा आपको चेंज इसमें देखने को मिलेगा, वो है इसका जो स्पॉइलर है उसकी वजह से। ये थोड़ी सी लंबी लगती है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक, ये देखो इतना बड़ा यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है। पहले छोटा होता था, और इसके अंदर यहाँ पे नीचे हिडन ये वाइपर दिया गया है, ये पूरा यहाँ पे खाली है। और ये भाई यहाँ पे प्लास्टिक, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। साइड प्रोफाइल दिखा दूं आपको, तो ये देखो भाई साइड से देखने में अब वो जो कूपे टाइप का डिजाइन आता था इसका, वो अब नहीं लगता इतना, थोड़ा सा ये यहाँ पे स्ट्रेट आपको दिखाई देगी। और भाई ये ड्यूल टोन वेरिएंट है तो इसकी जो छत है वो मिल जाएगी ब्लैक कलर की। पिलर हैं वो भी ब्लैक कलर के हैं, ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर के ऊपर आपको यहाँ पे इसमें टेप मिलेगी। ये यहाँ पे टेप का यूज किया गया है, ये पूरा यहाँ पे ब्लैक कलर है। और भाई जो इसकी रूफ रेल है वो मिल जाएगी सिल्वर कलर की, ये यहाँ पे मैट सिल्वर दिया गया है। सनरूफ यहाँ पे दी गई है, शार्कफिन एंटीना मिल जाएगा, ये भी ब्लैक कलर का ही है। डोर हैंडल ये बॉडी कलर दिए गए हैं। आगे इसमें डिस्क मिलेंगे, पीछे मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक। और भाई ये टायर का साइज बताऊं तो इसमें टायर का साइज 215/60/16। अलॉय व्हील मिल जाएंगे, और भाई जैसे पहले बताया था ये पार्ट यहाँ पे पूरा प्लास्टिक है, ये बीच में यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया है, ये मेटल मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे जो इसमें एक क्लैडिंग दी गई है ये भाई ड्यूल टोन, ये यहाँ पे बॉडी कलर जो भी होगा व्हाइट हो ग्रे हो वो सेम यहाँ पे मिलेगा। नीचे यहाँ पे ब्लैक मिल जाएगा, मैट है। और भाई यहाँ पे भी ये प्लास्टिक इसमें मिल जाएगा। ओआरवीएम की बात करूं तो ये ग्लोसी ब्लैक है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे, ये यहाँ पे इसमें साइड में कैमरा दिया गया है क्योंकि इसमें मिलता है आपको 360 कैमरा। और भाई जो पुराने वाली नेक्सोन थी उसमें जो साइड में ये पट्टी मिलती थी वो थोड़ी चौड़ी होती थी, और वो अलग कलर में होती थी। जैसे जैसे मतलब गाड़ी का कलर चेंज होता था उसका पट्टी का भी कलर चेंज हो जाता था, किसी में व्हाइट थी, किसी में ग्रे थी, किसी में ब्लैक थी। लेकिन अब जो फेसलिफ्ट आया है नेक्सोन का, सब में ये पियानो ब्लैक मिलेगी, और थोड़ा सा इसको पतला कर दिया। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। यहाँ पे ये लाइट है जो पूरी यहाँ पे कनेक्ट मिल जाएगी, एलईडी लाइट दी गई है सिक्वेंशियल। इसमें आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिलेंगे फ्रंट वाले भी और ये रियर वाले भी। ये देखो भाई डिफोगर इसमें मिल जाएगा, वाइपर मैंने बता दिया यहाँ पे हिडन मिलेगा, वॉशर भी ऊपर दिया गया है, और ये प्लास्टिक है यहाँ पे। पहले भाई नेक्सोन में होता था यहाँ पे शेर और शेरनी का फोटो, लेकिन अब यहाँ पे आपको सिंगल मिलेगा ये। यहाँ पे टाटा का ये लोगो, नीचे यहाँ पे कैमरा दिया गया है नेक्सोन की, यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। इसका जो बम्पर है वो भाई आपको यहाँ पे पूरा ये ब्लैक मिलेगा, दो पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। और भाई यहाँ पे मिल जाएगा बॉडी कलर, ये है बैक गियर के लिए, ये यहाँ पे दिया गया है इसमें रिफ्लेक्टर। नीचे यहाँ पे स्किड प्लेट मिल जाएगी सिल्वर कलर में, और भाई बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे मिलेगा क्योंकि बूट यहाँ तक है इसका, ना कि यहां तक। नीचे ये प्लास्टिक है, ऊपर ये पूरा यहां पे आपको मेटल मिलेगा। अब इसको करते हैं यहां से ओपन, ये हो गया मैग्नेटिक बटन, ये दिया गया है। व्हाइट कलर की लाइट मिलेगी नंबर प्लेट के लिए, ये यहाँ पे पूरा कवर है बंद करने के लिए भाई यहाँ पे दिया गया है। ये पार्सल ट्रे मिल जाएगी 382 लीटर का, इसमें आपको ये बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ पे लाइट दी गई है 12 वोल्ट का, इसमें ये सॉकेट मिल जाएगा। दो ये हुक दिए गए हैं 3-3 केजी के, साइड भी मिलेंगे। और नीचे मिल जाएगा यहाँ पे भाई इसमें स्पेयर व्हील, ये है यहाँ पे। और ये मिलेगा स्टील रिम ब्लैक कलर का, इसमें आपको यहाँ पे रिम मिल जाता है। अब
चलते हैं इसके इंटीरियर में। भाई ये ब्रेक लाइट यहाँ पे दी गई है, हाई स्टॉप लैंप बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पे इसमें दिया गया है। यहाँ पे मिल जाएगा भाई इसमें रिक्वेस्ट सेंसर। अब ये देखो भाई इसका इंटीरियर पूरा यहाँ पे आपको पर्पल कलर में मिल जाएगा। अब गाड़ी पर्पल है तो इंटीरियर इसका पर्पल हो गया, अगर व्हाइट होगी तो व्हाइट में भाई पूरा ब्लैक कलर में है। ग्रे कलर में आपको व्हाइट मिल जाएगा, जहां जहां इसमें पर्पल दिखाई दे रहा है वहां वहां व्हाइट उसमें मिलेगा। और भाई ये भी अलग अलग वेरियंट में अलग अलग कलर दिए गए हैं। अब जैसे ये फेयरलेस है, फेयरलेस में आपको पर्पल मिल जाएगा, और जो प्योर वेरियंट है उसमें ग्रे कलर मिलेगा जो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, और जो क्रिएटिव वेरियंट है उसमें मिलेगा आपको ब्लू कलर, जैसा स्काई ब्लू टाइप से का उसमें कलर दिया गया है वो। तो भाई तीनों वेरियंट में इनमें अलग अलग ये कलर दिए गए हैं। अब इसके डोर पैनल की बात करूं तो यहाँ पे पूरा ये इसमें लेदर दिया गया है भाई, सॉफ्ट टच है। यहाँ पे पूरा ये पियानो ब्लैक, ये यहाँ पे स्पेस मिलेगा। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं, क्रोम के साथ मिल जाएगा इसका डोर ओपनर, ट्विटर के लिए स्पेस है। यहाँ पे मिल जाएगा स्पीकर, इसमें नीचे स्पेस दिया गया है, बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, ORVM एडजस्ट करने के, फोल्ड करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल ये दिए गए हैं। सीट की बात करूं तो भाई लेदर है पूरा ये, और भाई वेंटिलेटेड सीट दी गई है दोनों फ्रंट वाली। ऊपर यहाँ पे ब्लैक मिल जाएगा, बीच में यहाँ पे पट्टी दी गई है एक पर्पल कलर में ही, ये मेटल की है। जो इससे नीचे वाला वेरियंट है उसमें मिलेगी भाई ये प्लास्टिक की। हेडरेस्ट भाई एडजस्टेबल दिया गया है, और हाइट एडजस्ट करने का भी इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर सकते आप सीट को, मैनुअली कर पाएंगे। अब चलते हैं अंदर। फीचर्स वगैरह तो भाई मैंने सारे बता दिए थे जो दूसरा वेरियंट के मैंने वीडियो बनाई थी। दूसरा वेरियंट नहीं, मतलब वेरियंट यही था, कलर अलग था, व्हाइट कलर था वो। लेकिन भाई आज जो वीडियो बना रहा हूं मैं वो था इसका जो इंटीरियर है वो आपको दिखा दूं कि पर्पल कलर में कैसा इसका इंटीरियर है। प्योर वेरियंट की भाई मैंने वीडियो बनाई है, जो नया ग्रे कलर आया है प्योर वेरियंट में वो आप देख सकते हैं, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया भाई मैंने उसका। और अब इसके बारे में बात करूं तो ऊपर यहाँ पे पूरा ये प्लास्टिक मिलेगा, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, सेम जो पुराने नेक्सोन में मिलता था वही है। ये सिल्वर कलर की जो पट्टी दी गई है, इससे ऊपर का जो डिजाइन है वो है सेम वैसा ही। जो भाई इसमें चेंज आया है वो यहाँ से नीचे की तरफ आया है, ये यहाँ पे अलग थोड़ा टेक्सचर मिल जाएगा, ये डिजाइन पूरा यहाँ पे अलग है, ये पूरा यहाँ पे अलग है, ये सेंटर वाला पार्ट ये भी यहाँ पे अलग मिल जाएगा। ये भाई थोड़ा सा मिलता जुलता है पुराने वाले से, यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह जो दिया गया है, लेकिन यहाँ से ये ऊपर वाला जो है ये पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया। और भाई इसके अंदर भी आपको अलग अलग ये डिजाइन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये इसमें लाइन लाइन सी दिखाई दे रही है, जैसे जैसे ये अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ पे ये डिजाइन इसका थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आ गए ये बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो इसमें भी यहाँ पे चेंज इसमें मिल जाएगा, है प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको इसमें लेदर मिलेगा, लेकिन भाई ये हार्ड है क्योंकि इसमें जो लेदर का यूज किया गया भाई वो बहुत ही पतला है। थोड़ा सा इसको और सॉफ्ट कर देते कंपनी तो और ज्यादा ये प्रीमियम फील होती। यहाँ पे पर्पल कलर में ये स्टिचेज के ऊपर मिल जाएंगी। ये इसी के वेंट सेंटर वाले यहाँ पे इंजन स्टार्ट करने के लिए दिया गया है। नीचे यहाँ पे आपको ये पूरा टच मिल जाएगा जो ये पैनल है, इसको स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। ये देखो नीचे यहाँ पे मिल जाएंगे भाई इसमें ये कंट्रोल सारे, ये टच है, और ये पैनल जो दिया गया है ये भाई पूरा यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक मिलेगा। ये प्लास्टिक हटा के दिखा दूं, ये देखो पूरा यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक है। इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह आने का, फिंगरप्रिंट का आपको ज्यादा मतलब डर रहेगा। यहाँ पे भी पूरा ये पियानो ब्लैक दिया गया है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट अलग अलग आपको दिख जाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा ये है कि आपको इसमें ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, प्रीमियम तो लगता है ये देखने में लेकिन थोड़ी सी आपकी मेहनत बढ़ जाएगी इसमें। अब यहाँ पे बात करूं तो ये फॉग लैंप के लिए दिया गया है, हैजार्ड लाइट के लिए, ये बूट ओपन करने के लिए मैनुअली सेंटर लॉक के लिए, और ये दिया गया है 360 कैमरा के लिए। ये यहाँ पे आपको दो इसमें फिजिकल मिल जाएंगे कंट्रोल, ये है ब्लोअर की स्पीड एडजस्ट करने के लिए, और ये दिया गया है भाई टेम्परेचर सेट करने के लिए। ऑटोमेटिक एसी मिलता है इसमें, उसके लिए यहाँ पे ऑटो का ये कंट्रोल दिया गया है, ये एसी के लिए। ये दिया गया है भाई यहाँ पे ऑफ करने के लिए, ये एयर फ्लो सेट करने के लिए। बीच में यहाँ पे सेंसर दिया गया है, यहाँ पे मिल जाएगा भाई ये फ्रंट डिफॉगर के लिए, ये रियर डिफॉगर के लिए, ये है एयर सर्कुलेशन के लिए, और भाई ये दिया गया है एक्सप्रेस कूलिंग के लिए। जैसे मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूंगा तो जो ये ड्राइवर साइड का विंडो है वो डाउन हो जाएगा, ये बॉल के भी आपको बता देगा, और जो इसका ब्लोअर है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी जब आपकी गाड़ी ज्यादा हीट हो रखी होगी उस टाइम पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये फीचर इसमें दिया गया है। पुराने वाली नेक्सोन में आपने देखा होगा मैक्स कूलिंग कुछ उस टाइप से फीचर आता था, उसी टाइप का ये फीचर इसमें दिया गया है। इसको करते हैं बंद, और भाई ड्राइवर साइड का जो विंडो है इसको करते हैं अब ऊपर। नीचे भाई यहाँ पे दिया गया है 12 वोल्ट का सॉकेट, ये मिल जाएगा 5 वोल्ट 3 एम्पीयर का, और भाई ये मिलेगा USB पोर्ट इसमें जो पेन ड्राइव वगैरह है उसको यूज करने के लिए। यहाँ पे साइड में पूरा पियानो ब्लैक दिया गया है, ये भाई इसके कंट्रोल मिल जाएंगे, सीटी को स्पोर्ट। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड दिया गया है मैनुअल, इसमें ये आपको हैंड ब्रेक मिलेगा। ये जो इसका आर्मरेस्ट है ये भी भाई पर्पल कलर में है, और अंदर इसके यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये स्पेस मिल जाएगा। अब इसके ग्लव बॉक्स की बात करूं तो भाई ये सॉफ्ट ओपनिंग के साथ मिलता है, नीचे इसमें लाइट दी गई है, यहाँ पे ऊपर ये ट्रे मिल जाएगी, पीछे इसमें एसी का वेंट भी दिया गया है, यानी कि ये कूल्ड ग्लव बॉक्स दिया गया है इसमें। और भाई यहाँ पे ये अलग अलग आपको स्पेस मिलेगा, कप होल्डर है, ये वॉलेट होल्डर वगैरह ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कार्ड होल्डर है, पेन होल्डर भी इसमें दिया गया है। अब भाई ऊपर बात करूं तो इसमें मिल जाएगा भाई इलेक्ट्रोक्रोमिक
में की ये IRVM जो ये पिलर्स है और ये रूफ है भाई, ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक है, जैसे पहले डार्क एडिशन में आता था। ये यहाँ पे प्लास्टिक पार्ट भी है जो ये भी पूरे ब्लैक कलर में ही है। ये भाई व्हाइट कलर की यहाँ पे कैबिन लाइट दी गई है, SOS के ये कंट्रोल मिलेंगे सनरूफ के लिए। ये माइक दिया गया है पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने का, यहाँ पे ये वार्निंग दिखाएगा और ऑन ऑफ करने के लिए जैसे मैंने पहले भी दिखाया दूसरे वीडियो में यहाँ पे ये दिया गया है। और भाई यहाँ पे दिया गया है वैनिटी मिरर, लाइट नहीं मिलेगी, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, यहाँ पे मिल जाएगा ये टिकट होल्डर। सनरूफ भाई ये सेम वैसी है जैसे पहले मिलती थी, वही छोटे साइज की यहाँ पे ये दी गई है। अब बात करते हैं भाई इसके स्टेयरिंग की। डीकट स्टेयरिंग है, लेदर रैप दिया गया है यहाँ पे आपको, ये इसमें पर्पल कलर मिलेगा और ये ग्लोसी ब्लैक दिया गया है। टू स्पोक इसमें आपको स्टेयरिंग मिल जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट की बात करूँ तो भाई टिल्ट है, टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इसको। ये इसमें टाटा का जो लोगो है ये भाई लाइट के साथ मिल जाएगा। इसको जैसे मैं ऑफ करूंगा तो ये यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। इसकी भाई हेडलाइट ऑन है, ये देखो भाई जैसे इसको ऑफ करूंगा ये ऑफ हो जाएगा, और जैसे यहाँ से इसको ऑन करूंगा मैं यहाँ पे ये लाइट वाइट इसमें आ जाएगी। और इसकी जो हेडलाइट है उसको जैसे मैं ऑन करूंगा तो ऑन करते यहाँ पे ये भी डिम हो जाएगा। हेडलाइट ऑफ करूंगा तो ये देखो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। ये हेडलाइट ऑन होने पर जैसे भाई ये इसका क्लस्टर और जो ये म्यूजिक सिस्टम इसकी जो लाइट है वो डिम हो जाती है, इसकी भी सेम वैसे ही आपको यहाँ पे डिम लाइट ये देखने को मिल जाएगी। ये देखो हो गई डिम। अब इसमें ये एक और पंगा है नेक्सोन में, जो नई वाली नेक्सोन आई है, इसका जैसे हम इग्निशन ऑन करेंगे इसका ये बैक कैमरा ऑन हो जाएगा, 360 कैमरा ऑन हो जाता है। वैसे कहने का जो मतलब है ये 2D इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3D दिखाऊं तो ये इस टाइप से यहाँ पे दिखाएगा अलग अलग। ये यहाँ पे दिखाएगा एंगल, ये फ्रंट वाले एंगल से यहाँ पे दिखा रहा है, ये यहाँ पे रियर के एंगल दिखाएगा। और भाई सेटिंग करनी हो तो कुछ यहाँ से कर सकते हैं। और भाई ये बार बार वार्निंग देता रहेगा, टू 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 बोलता रहेगा। अभी बैक गियर में नहीं है गाड़ी तब भी ये वार्निंग यहाँ पे आएगा, इसको कट ही करना पड़ता है यहाँ से जितनी बार भी इसको ऑन ऑफ करेंगे। अब देखो जैसे मैंने ये बंद कर दिया यहाँ पे, अब जैसे मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में देखना यहाँ पे ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। ये जो कंट्रोल दिए गए हैं ये मिल जाएंगे भाई इसमें जो इसका म्यूजिक सिस्टम है उसके लिए। और भाई यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं ये क्रूज कंट्रोल और जो इसका MID है उसके लिए। रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं और भाई यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प के लिए कंट्रोल दिया गया है। हेडलाइट लेवलर ये मिल जाएगा। इसके क्लस्टर की बात करूँ तो भाई इसमें आपको पूरा ये डिजिटल क्लस्टर मिलता है। रिफ्यूल की यहाँ पे वार्निंग ये शो कर रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी रिफ्यूल की वार्निंग यहाँ भी दिखा रहा है। बीच में यहाँ पे ये डायल दिखाएगा, अलग अलग आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, जो इसका इंटरफेस है वो अलग अलग सेट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद हो। नीचे यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाएगा भाई इसमें फ्यूल, यहाँ पे ये इसके मोड दिखा रहा है, ये ओडोमीटर, ये RPM मीटर है, यहाँ पे ये टाइम शो करेगा, यहाँ पे नेविगेशन, ये TPMS की वार्निंग है, ये यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है। और बाकी चीज इसमें चेक करनी है तो उसके लिए यहाँ पे ये इसमें कंट्रोल दिए गए हैं। फोन यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से प्रेस करोगे तो इसका हॉर्न बजेगा, यहाँ से प्रेस करोगे थोड़ा ज्यादा इस पे आपको जोर लगाना पड़ेगा तब काम करेगा। हॉर्न यहाँ से भी काम कर जाएगा लेकिन इजी है यहाँ से यूज करना। इसके बारे में बताऊं तो इसमें जो जो आपको मेन्यू में मिलेगा, होम स्क्रीन पे चलते हैं इसकी, ये इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजोन अलेक्सा, AQI, क्लाइमेट, इमेज व्यूअर, मीडिया, फोन सेटिंग, क्विक सेटिंग, रेडियो सेटिंग, साउंड डेमो, सराउंड व्यू, वीडियो प्लेयर, ये इसमें आपको मिल जाएंगे सारे फीचर्स। वर्ड्स 3 वर्ड भाई इसमें भी मिलता है नए वाली में। सेटिंग कितनी दी गई इसमें, एक सेटिंग यहाँ पे है, ये क्विक सेटिंग यहाँ पे दी गई है, ये फोन सेटिंग दी गई है यहाँ पे। तो भैया अलग अलग आपको इसमें 3-4 टाइप की सेटिंग्स इसमें मिल जाएंगी। इसमें भी आपको 6 एयरबैग मिलेंगे पिलर के ऊपर, यहाँ पे मिल जाएंगे ट्विटर फ्रंट में दोनों तरफ। और भैया देखो ये एनिमेशन इसके कितने मस्त लगते हैं, जैसे इसका डोर ओपन होता है ना, ये डिस्प्ले जो इसमें दी गई है बहुत भाई प्यारी है। सामने से देखना आप इसको, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे पीछे लाइट ये ऑन है रेड कलर में, ये डोर इसका दिखाई दे रहा है, अलग ही लगता है भैया। और ये आती है यहाँ पे व्हाइट ग्रे से कलर में, पर्पल कलर में नहीं दिखाई देती वहाँ पे। पीछे डोर की बात करूँ तो सेम थीम पे है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलेगा पूरा, ये पर्पल कलर में लेदर का यूज किया गया है। ये यहाँ पे पियानो ब्लैक थोड़ा स्पेस, ये पावर विंडो का कंट्रोल, ये बोतल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, ट्विटर दिया गया है, ये भाई इसका डोर ओपनर क्रोम के साथ मिल जाएगा। सीट की बात करूँ तो भाई इसमें आपको 64 स्प्लिट सीट मिलेगी, 3 सीट बेल्ट मिल जाएंगे, 3-पॉइंटर सीट बेल्ट मिलती है सेंटर वाली भी, यहाँ पे छोटा हुक ये मिल जाएगा। और भाई बीच में यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है, इसके अंदर आपको ये कप होल्डर मिल जाएंगे। 2 इसमें एडजस्टेबल ये हेडरेस्ट दिए गए हैं। अंदर चलते हैं भैया, ये देखो यहाँ पे भाई नी स्पेस की कोई कमी नहीं है, अंडर था स्पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा ठीक ठाक। और भाई यहाँ पे आपको 2 इसमें चार्जिंग के पोर्ट मिलेंगे, एक नॉर्मल है टाइप ए बोल सकते हैं आप इसको, 5 वोल्ट 2.4 एम्पीयर का, और एक मिलेगा 3 एम्पीयर का टाइप सी। पीछे वाले एसी के वेंट ये दिए गए हैं। अब भाई वो देखो कैमरा मैंने इसका ऑन नहीं किया था, थोड़ी देर बाद ये अपने आप कैमरा इसका ऑन हो गया, ये पता नहीं क्या है इसमें अपने आप से ऑन होता रहता है। अब भाई एक चीज और दिखाऊं आपको, जैसे पीछे वाली सीट पे मैं बैठा हूं ना तो यहाँ डिस्प्ले के ऊपर सीट बेल्ट की वार्निंग भी आएगी सेंटर में, ये देखो टाइम के साइड में यहाँ पे आपको वार्निंग दिखाई देगी। जिस भी सीट के ऊपर कोई पैसेंजर बैठा होगा वो भाई रेड कलर का डॉट हो जाएगा, बाकी और 4 सीट खाली है तो व्हाइट कलर का इस पे डॉट है। अब मैं सीट से खड़ा हो जाऊंगा
तो ये यहाँ से हट गई वार्निंग, अब दोबारा से फिर आ जाएगी। तो भाई ये भी फीचर दिया गया है नए वाली नेक्सोन में, जैसे क्रिएटिव या फिर प्योर वेरिएंट भी लेंगे ना तो उसमें भी आपको सेम ये फीचर मिल जाएगा। अब भाई बात करते हैं यहाँ पे, ये भाई सेंटर वाला पार्ट काफी ऊंचा है पुराने वाली नेक्सोन की तरह ही। सीट की कुशनिंग भाई यहाँ पे जबरदस्त है, सीट काफी कंफर्टेबल है। लंबा सफर जब आप करोगे भाई इस गाड़ी के अंदर तो आपको ज्यादा थकावट इसमें नहीं होगी। पीछे यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं दी गई और भाई यहाँ पे आपको ये फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिलेंगे हुक के साथ, ये साइड भी दिया गया है। यहाँ पे मिल जाएगा भाई ये एक और इसमें हुक, ये दूसरे वाला पिलर है जो उस पे भी मिलेगा। पीछे यहाँ पे इसमें चार्जिंग सॉकेट होना चाहिए, देखो भाई एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ भी दिया गया है। फेयरलेस वेरिएंट में आपको एक सॉकेट ये यहाँ पे मिलेगा 12 वोल्ट का, एक इसके बूट के अंदर मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे आपको दो इसमें ये एक USB एक टाइप सी पोर्ट ये मिलेंगे चार्जिंग के लिए, और आगे यहाँ पे 12 वोल्ट का ये सॉकेट दिया गया है, एक मिल जाएगा यहाँ पे टाइप सी और ये USB पोर्ट दिया गया जो ये है इसका जो म्यूजिक सिस्टम है उसके लिए। तो भाई चार्जिंग की नेक्सोन में आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। महिंद्रा की गाड़ियों में क्या होता है चार्जिंग के पोर्ट वो कम होते हैं, लेकिन टाटा की गाड़ी आप कोई भी ले लो, सफारी हैरियर भी लोगे आप, उनमें भी भाई भर भर के दिए होते हैं पोर्ट। इसमें भी इतने पोर्ट दे दिए, जितने पैसेंजर है वो भाई अलग अलग अपने फोन वगैरह यूज कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग पोर्ट दिए है कंपनी ने यहाँ पे। तो भाई ये हो गया इसका इंटीरियर एक्सटीरियर। अब बात करते हैं इसके इंजन की और इसकी कीमत की। इसमें भाई आपको जो इंजन मिलेगा वो है 1200cc का 3 सिलेंडर पेट्रोल टर्बो चार्ज है, और भाई ये है 6 स्पीड मैनुअल के साथ। इसमें आपको 5 स्पीड का ऑप्शन भी मिलेगा, पेट्रोल में आपको दोनों गेयरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा और भाई ऑटोमेटिक भी मिलता है। ये टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल मिल जाएगा। और भाई इसमें जो इंजन दिया गया है उसकी पावर की बात करूं तो 118.27 BHP की इसमें आपको पावर मिलेगी और 170 Nm का टॉर्क मिलेगा। कीमत की बात करूं तो भाई एक्सशोरूम कीमत है इसकी 13,50,000 रुपए, ऑन रोड कीमत जाएगी भाई लगभग 15.5 या 15.60 के आसपास जाएगी ऑन रोड कीमत। बाकी भाई आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं कितनी है वहां पे। तो भाई ये था आज का वीडियो नेक्सोन फेसलिफ्ट के फियरलेस प्लस एस वेरिएंट के बारे में। पर्पल कलर में आपको कैसी लगे भाई कमेंट करके जरूर बताना। इसका जो नए कलर आए हैं 3-4 कलर आए हैं इसमें, सबसे प्यारा कलर आपको कौन सा लगा भाई वो भी कमेंट करके जरूर बताना। जैसे मैंने पहले बताया पर्पल कलर आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा, क्रिएटिव में मिल जाएगा वो ब्लू सा कलर आया जो दूसरा, और भाई प्योर वेरिएंट में मिलेगा ग्रे कलर जो नया ग्रे कलर आया है, पहले वाला पुराने वाला ग्रे नहीं, और कंपनी उसको बोलती भी है प्योर ग्रे कलर। बस भाई ये था आज का वीडियो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।